नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 4 से 5 दिनों से इसका पूर्वानुमान देता रहा है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो और हिस्सों से उत्तरी भारत के और साथ ही साथ उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सों से इसकी विदाई होगी, तो वो विदाई आज हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल पर एक हमें हल्की से मध्यम वर्षा लगभग कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा मिलने की उम्मीद रहेगी। और यदि हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में विस्तार से बात करें, इसकी वापसी के बारे में, तो आज जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों और इसके साथ ही साथ बिहार के कुछ हिस्सों और झारखंड के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और इसके साथ तेलंगाना के कुछ हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आज वापसी हो चुकी है। और यदि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो वापसी की रेखा है उसकी बात करें, तो आज वो उत्तर पश्चिमी बिहार के रक्सौल से प्रारंभ होकर डाल्टनगंज, झारखंड के डाल्टनगंज से होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कांकेर और फिर तेलंगाना के रामागुंडम से गुजरती हुई उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीजापुर से दक्षिणी कोंकण के वेंगुर्ला से होती हुई मध्य अरब सागर से होती हुई गुजर रही है। और ये जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी की रेखा है, इसने आज मध्य अरब सागर के भी लगभग अधिकांश हिस्सों को इसने पूरा कर लिया है। और फिर यदि हम अगले 5 दिनों के मौसम की वर्षा की बात करें, तो पूरे देश पर मौसम प्रायः लगभग शुष्क रहने वाला है। अतिरिक्त यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा, जो कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का हिस्सा है, वहां पे हमें थोड़ी छिटपुट वर्षा आज कुछ स्थानों से लेके कई स्थानों पर प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर प्राप्त हो सकती है आज। और कल तो लगभग मौसम प्रायः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर पूरी तरह शुष्क रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत पर यदि बात करें, तो चूंकि हमारे पास एक अल्प दबाव की रेखा है जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तरी उड़ीसा तक जा रही है, जो कि गंगीय पश्चिमी बंगाल से होकर गुजर रही है, तो इसके प्रभाव में पूर्वी आसाम और मेघालय और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और उसके पश्चात एक हमारे पास उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत एक ट्रफ रेखा है जो कि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से लेकर कोमोरिन एरिया तक जा रही है तमिलनाडु से होते हुए। इसके प्रभाव में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर और छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा आज अर्थात 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को होने की संभावना रहेगी। और 12 अक्टूबर से यहां पर भारी वर्षा की संभावना लगभग नगण्य हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।